नगरोटा एनकाउंटर की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों ने भारत में घुसपैठ के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया है। ये आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ से सांबा सेक्टर में सुरंग के जरिए घुसे थे। शक है कि आतंकियों के पास से बरामद सामान में से हथियार और बारूद पहले से ही ट्रक में मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि सीमा पर तारबंदी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि सांबा सेक्टर में सुरंग के जरिए ही आतंकी दाखिल हुए। हालांकि आतंकी द्वारा सुरंग बनाकर सीमा पार करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। बड़ी योजना बना रहे थे जम्मू में मारे गए जैश आतंकी। नगरोटा के पास जम्मू में गुरुवार को ही मुठभेड़ में मारे गए जैश के आतंकी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद ले जा रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उनके पास से 11 AK-47 राइफल और पिस्तौलें बरामद की गई है। पूरी संभावना है कि वे कोई बड़ी योजना बना रहे थे। ये चारों कश्मीर की ओर जाने वाले एक ट्रक में यात्रा कर रहे थे। इस ट्रक को टोल प्लाजा के पास पुलिस ने रोका, जिसके बाद मुठभेड़ में ये चारों आतंकी मारे गए। बता दें कि इस साल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे पर ये दूसरी ऐसी मुठभेड़ थी। इससे पहले जनवरी में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जब वे इसी तरह ट्रक के अंदर छुपकर जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।